छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन यहां भी वो चुनाव के मद्देनजर चिंतित जरूर दिखाई दे रही है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक चुनाव के बाद कुमारी शैलजा अचानक छत्तीसगढ़ पहुंची, जिसने कई कयासों को हवा दे दी। देखिए रायपुर से हमारे संवाददाता शिवम दुबे की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मंगलवार को अचानक रायपुर पहुंची और सीधे सीएम हाउस में आमद दे दी। यहां हुई मीटिंग में सीएम भूपेश बघेल, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू के साथ साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। 3 घंटे तक बैठक चली और बैठक के बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि चुनाव की तैयारियों के संबंध में ये बैठक। कांग्रेस ने ये तय किया है कि नई रणनीति के साथ वो मैदान में उतरेगी। क्लियरली तय हुआ है कि आने वाले समय में हमको किस तरीके से काम करना, और आप देखेंगे कि अगले 2-3 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि 15 जून के अंदर 5 संभागों में कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाए। हालांकि इस बैठक के बाद कयास लगे कि संगठन में बदलाव होगा, मगर ऐसी बातों को नकार दिया। काम हम अच्छा कर रहे हैं तो बदलाव क्यों, 75 पार है तो बदलाव क्यों करना है? अब भले ही कांग्रेस खुद को मजबूत बताते हुए संगठन में किसी तरह के फेरबदल से इनकार कर रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पर कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता बड़े नेताओं के रवैये से सख्त नाराज है। 1 हफ्ते पहले ही कुमारी शैलजा ने मेयर्स के साथ मीटिंग की थी, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं की शिकायत की गई थी और मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। अब इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि अधिकारों में कटौती होना तो तय है। खबरें हैं कि कर्नाटक के मसला सुलझने के बाद इस बैठक के नतीजों को देखा जाएगा। नतीजों का मतलब किसी की शक्तियों में कटौती की जाएगी तो संगठन में कहीं बदलाव किया जाएगा, जिसमें 2 दिन का समय लग सकता है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootr.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।